में कोरोना बेकाबू, 24 घंटे में 31,445 नए केस, 215 की मौत। देश में फिर बढ़ने लगे कोरोना के मामले, 24 घंटे में 46,164 नए मरीज। मुंबई में कोरोना के मामलों में उछाल, 24 घंटे में 343 नए केस, 4 की मौत, 4 अगस्त के बाद आज आए इतने ज्यादा। महाराष्ट्र में 24 घंटे में आए कोरोना के 5,031 नए केस, 216 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट का मामला बढ़कर हुआ 107, 24 घंटे में आए 27 नए केस। अफगानिस्तान के मसले पर आज केंद्र सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, सुबह 11 बजे होगी चर्चा। बैठक में अफगानिस्तान से रेस्क्यू मिशन पर विपक्ष को जानकारी देंगे विदेश मंत्री। अफगानिस्तान के हालात पर आज गृह मंत्रालय में बड़ी बैठक, आईबी और रॉ के अफसर होंगे शामिल। सीडीएस बिपिन रावत के मुताबिक जैसा 20 साल पहले था वैसा ही है तालिबान, किसी तरह की हिमाकत पर सख्ती से निपटेंगे। अफगानिस्तान पर यूएन मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष का सनसनीखेज बयान, कहा पूर्व सैनिकों और नागरिकों का कत्ल कर रहे हैं अफगान आतंकी। अफगानिस्तान से हजारों की तादाद में लोग पाकिस्तान जाने के लिए जुटे, बॉर्डर पर लगी भीड़। टीआरटी वर्ल्ड नाउ के सौजन्य से आई तस्वीर, चमन बॉर्डर से कूदकर भाग रहे हैं लोग। तालिबानी धमकी के बीच अधर में लटके हजारों लोगों की जिंदगी बाहर निकलने के इंतजार में अभी भी काबुल एयरपोर्ट पर हैं जमा। काबुल एयरपोर्ट पर आतंकी हमले के खतरा, अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने अपने लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के दिए निर्देश। अमेरिकी सेना के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर पर तालिबान ने जमाया कब्जा, उड़ाने की कोशिश का वीडियो आया सामने। पंजाब में कांग्रेसी कलह के बीच पार्टी ने खींची लगाम, बोले हरीश रावत, सलाहकारों पर काबू रखें सिद्धू और कैप्टन। शायर मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज राणा लखनऊ से गिरफ्तार, खुद पर गोली हमले की झूठी साजिश रचने का आरोप। हथियारों के साथ तबरेज राणा के कई वीडियो बरामद, पुलिस के मुताबिक खुद पर हमले की साजिश से पहले बनाए थे वीडियो। 2 मई को साथियों की गिरफ्तारी के बाद से फरार था तबरेज, आज रायबरेली कोर्ट में होगी पेशी। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली राहत, नासिक में दर्ज एफआईआर में नहीं होगी गिरफ्तारी। हिमाचल प्रदेश में नैना देवी और आनंदपुर साहिब को जोड़ने वाली सड़क धंसी। हरिद्वार में तेज धार में बह गई कार, तेज बारिश के चलते नदी नालों में भारी उफान। उत्तराखंड के विकासनगर में तेज धार में फंसे 2 लोग, पुलिस की टीम ने रस्सी के सहारे किया रेस्क्यू। उत्तराखंड में 27 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी, देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, टिहरी और ऋषिकेश के लिए अलर्ट। गोंडा में खतरे के निशान से 17 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है सरयू। बाराबंकी में भारी बारिश से उफान पर है सरयू नदी, डूब गए 2 दर्जन से ज्यादा गांव।